ये देखिए मैंने मुड्ढे ये छेक लिए हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने जो ये बीच में दो फंदे सीधे रखे थे और दो दो फंदे उल्टे रखे थे, यहाँ से मैं आधे आधे फंदे कर लूँगी। अब मैं गला बीच में छेकूँगी, तो देखिए यहाँ से ये दो फंदे उल्टे ही चलेंगे। ये देखिए इस फंदे को पलट लेंगे ऐसे करके सीधा कर लेंगे और यहाँ पे ये दो का एक और बीच में देखिए यहाँ पे ये देखिए तीन का एक, ये फरी जो जहाँ मैंने जाली डाली थी इस तरीके से ट्विस्ट करके और उनको तीन का एक बना दिया। यहाँ पे अभी फंदे घट गए, आप देखिए इधर का फंदा जो घटाएंगे वो इस तरीके से, ये देखिए एक फंदा ये पहले है उससे पहले वाले से ऐसे बुन देंगे तो ये सीधा अपने आप आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये दो फंदे और ये दो फंदे जो सीधे बीच में रखे हैं मैंने, उनमें से एक फंदा इस तरीके से ले लूँ और यहीं से फंदे मैंने आधे आधे कर लिए और इनको इसी तरीके से घटाते हुए बुनेंगे। ये देखिए अब मैं इसी तरीके से फंदे घटाते हुए इन फंदों को लास्ट तक घटा दूंगी, दो तीन फंदे रह जाएंगे और ये वाली देखिए डिजाइन दोनों तरफ से ऐसी चलती रहेगी, दो दो फंदे उल्टे जो हैं, और लास्ट तक घटा के उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने सारे फंदे यहाँ तक घटा दिए हैं, लास्ट यहाँ पे देखिए इस साइड का एक फंदा बचा है और एक इधर होगा बचा है। अब टोटल मेरे पास यहाँ पे 14 फंदे बचे हैं। अब देखिए 14 फंदों को मैं इस तरीके से उतार दूंगी, यहाँ से दो का एक करते हुए उतारूंगी। इस तरीके से सारे फंदे उतार दूंगी। ये देखिए यहाँ तक मैंने उतार दिए हैं। ये देखिए अब देखिए इसी तरह से मैं इस पार्ट्स को बना लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने ये फ्रंट का पल्ला बना के कंप्लीट कर लिया इस तरीके से, और देखिए अगले बैक साइड के पल्ला के लिए मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। देखिए ये मैंने बॉर्डर इसी के बराबर बनाया है, जितनी रो उतने ही फंदे डाले हैं उतनी रो बनाई है। अब देखिए इसके बराबर मैं यहाँ पे इतना बाइट बनाऊंगी और मुड्ढे छेकूंगी, मुड्ढे में 5 फंदे घटाऊंगी मैं, और इसी तरीके से मैं इसमें 20 से फंदे आधे आधे करके और इसका गला कंप्लीट करूँगी इसके बराबर इसको बना के, और ये 14 फंदों पे इसको भी बैक साइड को भी इसी तरीके से उतार दूंगी, इसमें कुछ नहीं है, और इसको इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने बैक का पल्ला बना के कंप्लीट कर लिया इस तरह से, बैक का प्लेन है बिल्कुल, और सेम तरीके से बनाया, यहाँ से मैंने एक एक फंदा घटाया हर सिलाई पर दोनों साइड से, और ये बॉर्डर बनाने के बाद मुड्ढे घटा दिए, उसके बाद एक एक फंदा घटा दिया, लास्ट 14 फंदों पर इसको उतार दिया मैंने। और देखिए फ्रंट भी इसी तरीके से बनाया था, जिस तरीके ये इतना थोड़ा चेंजिंग थी और ये यहाँ पे इसी तरीके से उतारा था। अब देखिए बाजू, तो बाजू में मैंने ये देखिए इस तरह से बनाई है, इसमें मैंने 60 फंदे डाल के बनाया, एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है और सेम तरीके से बनाई हैं, सिर्फ ये लाइनिंग आप जितनी चौड़ी चाहें उतनी रख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 लाइनिंग डालने के बाद मैंने ये बाइट पर इसको उतार दिया है दो का एक करते हुए। तो अब देखिए मैं इसको आपको सिलना बताऊंगी। तो देखिए ये फ्रंट वाला पल्ला है, ये देखिए फ्रंट वाला पल्ला है, जो 14 फंदे जहाँ से मैंने उतारे हैं मैं वहीं से इस तरह से इसे रखूँगी ऊपर के साइड से, और इसको इधर पलट दूँगी ऐसे, और इधर से मिलाते हुए यहाँ से इतना इसे सिलूँगी यहाँ से।
ये देखिए मेरा पूरा इतना आ रहा है, ये यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे बीच में, और यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे और इसको इस तरीके से ये देखिए पलट देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिल लिया था इतना। अब देखिए जो एक साइड का ये इस तरह से आएगा, वो इसको मैं बैक साइड के पल्ला में इस तरीके से रखूँगी ऐसे, और इसे ऐसे पलट लूँगी उल्टे साइड, और इसको बैक साइड भी इसी तरीके से सिल के कम्प्लीट कर दूँगी। ये काफ़ी इजी है, काफ़ी जल्दी भी बन के कम्प्लीट होता है। यहाँ से देखिए ये मैंने इन धागों को मैं यहीं पे इसके साथ इस तरह से नॉट लगा के कट कर दूँगी। देखिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे, कट कर देंगे। अब देखिए इस तरह से मैंने जहाँ से ये मुड्डे छेके थे वहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी सिलना। अब देखिए बाइट से बाइट मिलाते हुए इसको सिलूंगी मैं, रेड को रेड से मिला दूंगी ताकि इसकी सिलाई पता ना चले। ये देखिए ये रेड से रेड मिलाएंगे तो ये लहरिया की तरह डिजाइन जो रहेगी वो क्लियर रहेगी, दोनों पल्लों की क्लियर दिखेगी। ये देखिए यहाँ तक लास्ट तक इसको सिल देंगे। यहाँ पे नॉट लगा देंगे और कट कर देंगे। अब देखिए ये इस तरह से मैंने ये सिल के कंप्लीट कर लिया है, और ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से मैं दोनों साइड का सिल के कंप्लीट कर, ये देखिए मैंने ये सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्रोशिया से मैं बॉर्डर बना रही हूँ, तो मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है, और देखिए मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी 20 से। ये देखिए आप इसमें सलाइयों से भी बना सकते हैं फंदे भर के। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जॉइंट कर लिया। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया वापस। ये देखिए तीन बार बनाने के बाद इसको मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से अटैच कर दे रही हूँ, तीन चैन। आप देखिए यहाँ से इस तरीके से एक इस तीन चैन बनाने के बाद बल लूँगी, और इसी जगह से जहाँ मैंने ये सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया है वापस। ये देखिए एक जो मैंने तीन की चैन बनाई है और तीन बार और बनाया तो ये चार बार हो गया। चार बार बनाने के बाद इस तरह से इसको यहाँ पे अटैच किया, एक दो तीन, तीन चैन वापस डबल क्रोशिया, फिर वहीं से देखिए एक बार और देखिए आगे अटैच करेंगे, जहाँ ये इजीली आ जाएगा वहीं पे इसको अटैच कर देते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। और देखिए इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर, ये देखिए मैंने गले का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो शोल्डर पे इतनी जगह बाइट की है, इतने यहाँ से जहाँ से मैंने ये जोड़ा है वहाँ तक मैं इसमें भी ये कंगूरे बनाऊँगी। तो देखिए जहाँ ये रेड ख़त्म होता है यहीं से मैं इस धागे को अटैच कर रही हूँ दोबारा से। ये देखिए यहाँ से ऐसे वापस देखिए यहीं पे एक बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये धागा सेट करना है। अब देखिए दो तीन, तीन चैन बना ली, अब यहीं से दो तीन,
ये देखिए तीन डबल क्रोशिया बना लिए, और एक मेरे पास ये चेन थी तो इसको भी काउंट कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से अटैच कर देंगे। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लिए, और एक मेरे पास ये चेन जो बनाते हैं उसका चार हो जाते हैं, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया। ये देखिए इसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर देंगे।